वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, आज आपकी वीडियो बन रही है फिर से अगेन। आज मैं बोलो पाकिस्तानियाँ बड़े अच्छे आदमी हैं। बोला खुदा कसम, आपका जो है ना ये वीडियो, ये आपका इंटरनेट यूट्यूब पे ईरान में जाएगा, हर जगह जाएगा ये आपका वीडियो। ठीक हो गया ना? ये डेट 21 है, बहुत पुराना नहीं है, मालूम है कि बोलेगा टायर वालों ने, टायर का थोड़ा सही है यानी खराब नहीं है, रिंग सही करो, बाजन में टायर डालेगा, दोबारा मशीना डालेगा, दिखेगा टायर प्रॉब्लम है नहीं। जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, वेलकम खुशामदी जी आया हूं मेरे चैनल पर आज के नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत हो गई, अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके HBS YouTube फैमिली का बन जाइए हिस्सा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ठोक ठोक दीजिए। जी तो भाई साहब, लाइट 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 प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम पाकिस्तान में। जी कल मैंने सुना कि पूरे पाकिस्तान में 14-15 घंटे के लिए लाइट बंद रही, मतलब लाइट का प्रॉब्लम नहीं जा रहा यार पाकिस्तान से। तो मज़े की बात पता क्या है भाई, हम पाकिस्तानी जिधर जाते हैं ना उधर लाइट का प्रॉब्लम, हमारा सुबह से लाइट बंद है, ओमान में कभी लाइट नहीं गया, लेकिन जब से मैं इधर आया हूँ दूसरी दफ़ा लाइट चला गया। आज तो मुझे सेम फीलिंग, सुबह मैं उठा हूँ लाइट ही कोई नहीं थी, सेम फीलिंग आ रही थी जैसे मैं पाकिस्तान में वापस आ गया हूँ। तो भैया लाइट जो है ना जी, ये बहुत ही तंग आ रही है। तो फिर मुझे मतलब सुबह से लाइट नहीं है, दो तीन घंटे हो गए हैं, मुझे एहसास हुआ यार हमारे इधर लाइट 2-3 घंटे से बंद है हमारी, तो हमारे जो है वो तोते उड़ गए हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ होगा, मतलब जब पाकिस्तान में रहते थे तब महसूस नहीं था ना होता, अब लाइट की आदत पड़ गई है ना तो अब महसूस होता है अगर आधा घंटा भी चली जाए तो। तो बाकी जो है ना जी, अभी सीन ये है कि मैं आ गया हूँ हीर के पास। हीर जो है ना जी, काफ़ी दिनों से ना जी डांस कर रही थी, मतलब डांसिंग कार वो वाली नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हीर का जो है ना जी, ये जो अगले टायर है ना जी, ये थोड़े से कर रहे थे प्रॉब्लम। पहले मुझे लगा कि हीर जो है ना वो नहीं है, जो पाकिस्तान में एक लड़की डांस करके मशहूर हुई है, क्या नाम है उसका, नाम मेरे को नहीं मालूम, पहले मुझे लगा हीर उसको फॉलो कर रही है, हीर मशहूर होना चाहती है। फिर मैंने सोचा नहीं यार मशहूर तो शायद पता नहीं ना हो के ना हो कि मैं ना मशहूर हो जाऊँ। तो भाई फिर मैंने फैसला किया कि हीर को चेक करवाया जाए। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि भाई हीर के जो है ना जी अगले टायर उनका जो है ना जी ऑपरेशन होगा, तो अभी बस वही करवाने के लिए, हीर को ठीक ठुक करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ जी मुबेले, हाँ जी इसको लेकर। तो चलिए चलते हैं फिर, मैं कपड़ा छपड़ा मार लेता हूँ, पानी खानी पा के फिर निकलते हैं। जी तो गाइस नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुबेला की उस बाजार में जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ कार रिपेयरिंग की दुकानें पाई जाती हैं, और इसके बारे में एक और खास बात मशहूर है कि जब भी आदमी इधर अपनी कोई कार लेके आता है तो उसको इसी सड़क के ऊपर अपनी कार चलानी पड़ती है। और इसके बारे में एक और खास बात, हमारे उस्मान भाई की शॉप भी इधर ही है, तो फिलहाल तो उस्मान भाई की शॉप जो है ना जी वो आ गई है, वो देख सकते हैं आप, उनसे चलिए मिलते हैं। गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा उस्मान भाई ने खड़ी की गई, माशाल्लाह काम लगता है, रूज पर चला गया उस्मान भाई का। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं वो सामने बैठा हुआ है मुजरम टींड करा के, काम तो कारों का करता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे हर हफ्ते के हफ्ते उम्रे पे जाता है। मिलते हैं अभी उनसे बाहर निकल कर, एसी उसी करते हैं बंद, गड्डी को करते हैं बंद और चलते हैं बाहर उस्मान भाई के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, आज आपकी वीडियो बन रही है फिर से अगेन। आज मैं उस्मान भाई तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम, क्या ये हमारे चाचू हैं, आप इनसे मिले हैं, पहले भी मिल ही चुके हैं आपको पता है, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे जो है ना जी मैकेनिक है। समान वीरो गाड़ी को आप देखो भैया, गाड़ी को देखना क्या, उसकी आंग आंग से आवाज़ आ रही है, आंग आंग से आवाज़ आपने देखा है ना, ये साला डांसिंग कार बन गई है, ये वो पाकिस्तानी लड़की नहीं उसको फॉलो करने लग पड़ी थी, इसको बड़ा मेरा दिल ये पुकारे डांस करके मशहूर हो जाऊंगी, मैं सड़क पे चलाता था ऊपर से डांस करती थी, इसको थोड़ा आप देखो साला क्या प्रॉब्लम पड़ गया।
हम लो जी टेस्ट ड्राइव, कोई भी नहीं है मगर अभी पता चल जाता है इसको क्या प्रॉब्लम है, सब मालूम पड़ेगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, मतलब हैंडल जेड़ा ना इहदा इंज कम दा है ते ऐ पासों ऐ बैरंग च आवाज आउंदी है बड़ी। ਉਹ ਵੱਜਿਆ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਐ ਫਿਰ ਝੂਠ ਵੱਜ ਗਈ ਪਲੇ ਵੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਲੇ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਟਾਇਰ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਖਤਮ ਹੋਆ ਅਭੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਵੈਪਰਸ ਕੀ ਇਹ ਸਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ये टायर ये एक्सल इसकी सारी अलाइनमेंट ये टायर सारे का सारा ख़राब हो गया। ये न्यू टायर डाला है अभी सब कुछ ठीक है। अभी इसको टायर को इसको भी रिपेयर करवाना है। फिलहाल तो करवाते हैं इसको जो है ना जी सुमान भाई जो ओपन करके देते हैं। ये चीज़ टूटी हुई है इसकी। ये तो पूरी के बंदूक ही लग दी है मैंने। ये सारा ही चेंज होनी है ना? ऐ सारा नहीं यार। नहीं नहीं जे दे मोटर ना लबी ते फिर ऐ सिर है तेरा ऐ लबिया ते ओके सर ते ओ ही चाहिए ना। हां बिल्कुल ओए मैंने हां बिल्कुल निरा पे पुतला जेड़ा वे ये आवाज निकल सा गर्मी है। ये तोरे खराब टायर खराब है। रिम ठीक है इसका? रिम ठीक है। हां हां इसका टायर चेंज होगा। रिंग इश खराब है? हां उतवाए नहीं ये किश्ती शाओ देखो क्या है बाबे हो देख सकते हैं आप टायर कैसे चेक होते हैं आपको दिखा देता हूं फ्री में। ये रिंग खराब है? टायर ठीक है सही हो गया। टायर ठीक है रिम फिर चेंज करेगा भाई ये चेक नहीं भाई का चेंज नहीं आएगा सही करो। इधर है मकीना है उसको साफ करेगा मुश्किल नहीं मालूम है पुराना नहीं है ज्यादा मालूम है क्या बात है भाई टायर मसलन एक साल का पहला है करेगा उधर मशीना है गैराज कबीर है ओके रिम भैया लंबा काम नहीं करा सी एन सी मतलब सही हो जाएगा हो जाएगा जितना कमाया नहीं जितना इसके ऊपर लगा रहे हैं बस यू तुम पानी हो जाएगा मालूम है साफ हो जाएगा पाकिस्तानी रानी भाई भाई है ना तो थोड़ा प्यार वगैरह नहीं दिखाएगा नहीं करते हैं अभी कसम से और वो चीजें लेनी है इतनी
टेंशन लगी है इसकी। ये सारा जब से गाड़ी लिया काम पे काम काम पे काम निकल रहा है इसका। मिल गया मौसम कितना। बोलो पाकिस्तानिया बड़े अच्छे आदमी है। वो बोला खुदा कसम बोलो बहुत ही नाइस आदमी है ये जो है। ये जो है ना बोलो तुम्हारा मशहूर ही करेगा ये आपका जो है ना ये वीडियो ये आपका इंटरनेट यूट्यूब पे ईरान में जाएगा। चल झूठा हर जगह जाएगा ये आपका वीडियो। ठीक हो गया ना। खाली शाक स्प्रिंग नाल नहीं होंगे नहीं मिलेगा मेरा पास खाला सा लो बाबे फिर ला दे खजल हो रहे हैं शाख नहीं मिल रहे भाई शिवर लाइट के मतलब यार जब से लिया कोई ना कोई लोचा इसे पड़े ही रहता है शाख भी गए टायर भी गए हर चीज़ ही इसकी जा रही है विश शाख तो नहीं मिल रहा देखते हैं अभी और शाख से देखेंगे मिल जाएगा इंशाल्लाह। टायर का तो पहले काम करवा लें हम बाकी आप मेले को इंजॉय करें देखें गाड़ियाँ कितनी हैं ये सारी वर्कशॉप है इधर की लगा जाना ये देखें आप ये ऊपर तो पीछे भी ऐसा ना बोले ये पूरा खराब है पूरे इसका क्या क्या बूट चेंज होगा पूरे फेरों में चारों मुमकिन 30 रियाल 35 40 नहीं ये दो चलेंगे ना। हाँ पिछले में था नहीं ये आगे वाला वो ठीक है ये खराब है नहीं भाई दोनों खराब देखो कितना ऊपर है ये जब खराब हो जाता है ऊपर आ जाता है। ये फिर कितने का दोनों मिलेंगे अभी आएगा मेरा दूसरा चलो हम अभी आपके पास है ना आपसे मिल जाएंगे आप चेंज कर देंगे ना ये। हाँ चेंज करेगा अगर तुम मानता है तुम जो सामान लेके वो नहीं मानता इधर भी है। चलो जी तो गाइस थोड़ा करते बहुत ही ज़्यादा हो गया पहले तो इसका ऊपर गया ये गया अभी टायर जो है वो इसका अलाइनमेंट सीधा करवाया साथ ही साथ ये शाख का भी पंगा निकल आया मतलब एक साथ इतने सारे काम कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तो वो लेके वो शाख चेंज करते हैं तो फिर बहुत पैसा लगेगा। फाइनली बाबे गड्डी का जो है ना जी शाख रिपेयर हो गया तो अभी जो है ना कसाई हो रही है ये टाइट करने लगे हैं इसको शाख टाइट होगा उसके बाद वो टायर भी लगेगा तो गाड़ी A1 हो जाएगी तो लेते हैं इधर से लेके गाड़ी निकलते हैं बाद में सारे रानी बंदे ने मैनू समझ नहीं लगी मैंने मुछी कलम अरशो का समझ को हो जाऊं समझ नहीं लगी कि आंदे बाकी जो भी बोलते हैं भाई ये भी टायर ओके हो गया जी तो फाइनली भाभी शाख शुक जो है ना जी वो फिट करवा लिए हैं शाख फिट करवाया टायर जो है वो फिट करवा लिया है अभी जो है ना जी वापस आ गया सुमान भाई की शॉप पर इधर से अभी टाइम ये हो गया कि इधर जो है ना जी 1 बजे जो है ना जी सारी शॉपें बंद हो जाती हैं 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 4 बजे के बाद खुलती हैं तो अभी 4 बजे तक तो वैसे ही सूरत हाल है इधर ही बैठना पड़ेगा फिलहाल 3 तो बज ही गए हैं घंटा और इंतज़ार करते हैं तो उसके बाद फिर दूसरा काम करवा के चलते हैं घर। वो रेडियो वैसे ही चल रहा है इसने तो सारी बैटरी खा जानी है जी। तो बाबे ओ फाइनली जो है ना जी ये ओमान का झंडा है मतलब कहने का बात ये है कि वो जो वेपर था ना वो वेल्ड करवा लिया वो मैं भूल गया था मैंने वो भी आपको थोड़ा सा सीन दिखाना था गाड़ी के अंदर रखा वो दिखाता हूँ आपको वो मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ फिलहाल तो इधर आया जी रेस्टोरेंट पर सुबह का मैं आया हूँ ना तो उस्मान भाई कह रहे थे कि भाई आपको रोटी खिला के भेजना है रहमान देख लो भाई उस्मान भाई खाना खिला देते हैं तो है उस्मान जड़ा वो नहीं खवाता तो ये अभी अल हरमैन होटल में आए हैं इधर तो इधर से बिरयानी पकड़ी है उस्मान भाई कह रहे थे आपको बिरयानी खिला के रहनी है मैंने तो इधर से ले लिया बिरयानी
तो अभी जो है ना रहमान वड्डा दिल कीता है, तो अभी जो चलते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेपर पाँव पे रखा हुआ है, ये वेल्ड करवा लिया, अभी बिरयानी खा के यार वेपर सेट करके मैं घर चला जाऊँगा। तो बड़ा यार इतना ही व्लॉग, मिलेंगे आपको कल नए व्लॉग में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।